नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगिड। यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री की, और राजस्थान हिस्ट्री में दोस्तों अपन ने हाड़ा वंश के बारे में बात की, यानी कि अपन चौहान वंश के बारे में अपन बात कर रहे थे। और ऑलमोस्ट दोस्तों जितना भी चौहान वंश है, जितनी भी अपन ने शाखाएं के बारे में बात की थी, शाखाओं को पढ़ लिया है दोस्तों, पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया। जो जो लाइक वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान हिस्ट्री में चौहान वंश के बारे में, और चौहान वंश में दोस्तों अपन ने लास्ट जो बात की थी पिछली वाली क्लास में, अपन ने झालावाड़ के जो झाला वंश थे उनके बारे में अपन ने बात की थी, जो कोटा से अलग हुए थे, और बूंदी से अलग कौन हुआ था दोस्तों, कोटा हुआ था, यानी कि चौहान वंश खत्म हो गया। बहुत से स्टूडेंट के दोस्तों कमेंट आ रहे थे और वो पूछ रहे थे कि ये रीट के सिलेबस में है या नहीं। दोस्तों अपन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि राजस्थान हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे चाहे वो आए या नहीं आए, आपको रीट के सिलेबस में अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आप सिलेबस लेके बैठिए। और रीट की अगर बात करें दोस्तों, तो रीट में हाड़ा वंश वगैरह ये है नहीं, और वैसे भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कुछ चीजें आती हैं इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने आपको बता देता हूँ मैं क्लास में, जैसे जैसे क्लास चलती रहती है मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी बातें चलती रहती है। बच्चे पूछ रहे थे कि रीट के सिलेबस में है या नहीं, तो जैसे अभी आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, परमार वंश के बारे में या गुर्जर प्रतिहार के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब आपको देखना है कि रीट के सिलेबस में है या नहीं है ये रीट के सिलेबस, क्योंकि SST वालों को जो है उनके GK आएगी, लेकिन साइंस वालों को GK नहीं आती, तो आपको देखना है कि सिलेबस में क्या क्या है, उनके हिसाब से आप पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, अपन बात करेंगे आज गुर्जर प्रतिहारों के। सबसे कम इंटरेस्ट वाला टॉपिक है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार। बहुत कम होते हैं दोस्तों जो इसको पढ़ते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी में से बनते हैं और आते भी हैं। ये कहते ही बात झूठी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा सब मत समझना कि इनमें से, लेकिन मैं आपको अभी से ही बोल देता हूँ, क्लास शुरू होने से पहले ही बोल देता हूँ कि ये आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल भी कहानियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिखाने का मैटर ज्यादा है और याद करने का मैटर ज्यादा है। तो आप बिल्कुल पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, जो जो चीज़ समझने की है मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको, कहाँ कहाँ से जो है इनके बारे में मिला है ये सब कुछ जानकारी, अपन कैसे गुर्जर आए थे, कौन से गुर्जर प्रतिहार जो शासक हुए, कहाँ इन्होंने राज किया, कहाँ कैसे आई ये, कहाँ से आए, कैसे शिलालेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है, इतिहासकारों ने क्या क्या इनके लिए बारे में बोला, ये सब जानकारी अपन बात करने वाले हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझना कि बिल्कुल आप जो है मजा आएगा पढ़ने में, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि टॉपिक ही नहीं है मजे वाला। अगर कोई मजे वाला टॉपिक है जिसने कोई पहाड़ी पे चढ़ा हो, क्योंकि देखो सबसे पुराना है देखा जाए, देखो मैंने आपको बताया था कि अग्निवंश से पृथ्वीराज दासो चंद्र प्रधान ने जो लिखा था उसमें चार पुत्रों का जन्म हुआ था, जिसमें था प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, तो प्रतिहार हो गए। अब पहला सबसे बड़ा जो पुत्र है वो सबसे पहले का होगा, सबसे पहले का होगा, यानी कि बहुत समय पहले की बातें हैं, सबसे पहले की, तो पढ़ाना भी इसी को पहले चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं पढ़ाते इसको पहले, क्योंकि इतिहास में मान लो इसको सबसे पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा तो आपकी थिंकिंग बन जाएगी बिल्कुल ही सर मजा ही नहीं आ रहा पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बातें, और पहले का है तो युद्ध कम ही हुए थे उस टाइम के दोस्तों, बस आए बनने गए, कुछ बना के चले गए, और इन्होंने मंदिर वगैरह ये निर्माण काल ज्यादा हुए थे, स्थापत्य कला में योगदान है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो गुर्जर प्रतिहार के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो, आप देखोगे दो वर्ड नजर आ रहे हैं आपको, एक तो आ रहा है गुर्जर, कौन सा आ रहा है गुर्जर, और दूसरा आ रहा है आपको प्रतिहार। कौन से दो वर्ड नजर आ रहे हैं दोस्तों आपको, ध्यान से देखना, एक तो आ रहा है गुर्जर और दूसरा आ रहा है प्रतिहार। तो सबसे पहले जो गुर्जर देख के समझ रहे हैं कि यार ये जातिवाचक शब्द है, तो बिल्कुल भी नहीं है जातिवाचक शब्द, गुर्जर जाति से नहीं लिया गया है। किसे नहीं लिया गया दोस्तों, गुर्जर जाति से नहीं लिया गया है। गुर्जर क्या है दोस्तों, एक स्थानवाचक शब्द है, यानी कि दोस्तों गुर्जर जो बोला गया है गुर्जरात्रा प्रदेश से बोला गया है, मान लो ये राजस्थान है। अपन बात करेंगे दोस्तों पहले गुर्जर और प्रतिहार की, पहले मैं बात कर रहा हूँ गुर्जर की, ये देखो राजस्थान है दोस्तों, ये राजस्थान है, राजस्थान में जो ये वाला क्षेत्र है कौन सा, दक्षिण पश्चिमी वाला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ये क्या कहलाया दोस्तों, गुर्जरात्रा प्रदेश कहलाया है, गुर्जरात्रा
प्रदेश कहलाया। इसमें कौन कौन से क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों अपन, जैसे कौन कौन से क्षेत्र की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रारंभिक क्षेत्र था दोस्तों तो ये था जालोर। इसके बाद जालोर में भी कौन सा दोस्तों, भीनमाल, यहां पर इनका शासन रहा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मंडोर की, बात करेंगे अपन, बात करेंगे जोधपुर की, बाड़मेर भी आता है दोस्तों, इसमें बाड़मेर भी शासन रहा यहां पर। इसके बाद दोस्तों पाली, कुछ भी और आगे क्षेत्र आते हैं दोस्तों, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। यानी कि मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो गुर्जर है ना वो एक जाति सूचक शब्द नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि गुर्जर लोगों ने यहाँ पर जो है अधिकार कर रखा था या फिर शासन हुआ था। गुर्जर एक गुर्जरात्र प्रदेश से लिया गया, किससे लिया गया दोस्तों, गुर्जर। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी एक इतिहासकार रहे हैं दोस्तों, मुंशी देवी ने गुर्जर गुर्जर को स्थानवाचक स्थानवाचक शब्द बताया। किसने बताया दोस्तों, मुंशी देवी ने। क्या बताया दोस्तों, स्थानवाचक शब्द, यानी कि जाति सूचक शब्द नहीं है, स्थान सूचक शब्द है। इसके बाद बात करें दोस्तों गुर्जर किसे लिया गया है, गुर्जरात्रा प्रदेश से, गुर्जरात्रा प्रदेश। जो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, मरुस्थलीय, मरुस्थल का कौन सा क्षेत्र, मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि इनका प्रारंभिक स्थान है ये, प्रारंभिक स्थान कौन सा है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी वाला क्षेत्र जो है इनका प्रारंभिक क्षेत्र कहलाएगा। ये बात हुई दोस्तों किसकी में, अभी तक गुर्जरात्रा प्रदेश की, यानी कि गुर्जर जो है वो जातिवाचक शब्द नहीं है, जाति सूचक शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है दोस्तों, स्थानवाचक शब्द है। और बात करें दोस्तों, मैंने आपको मेयर के आधार पर बताया कि ये जो वाला एरिया है दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाया, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र क्या कहलाया, गुर्जरात्रा। यानी कि अपन जो पढ़ने वाले हैं किसको, किसको पढ़ने वाले हैं, गुर्जरात को, गुर्जर प्रतिहारों को, तो वो पढ़ेंगे दोस्तों अपन भीनमाल के जो प्रमुख जो प्रतिहार रहे थे वो रहे भीनमाल जालोर के और मंडोर के, और बाकी और भी रहे उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट रहे दोस्तों भीनमाल जो इनकी राजधानी रही थी, किसके अनुसार दोस्तों, हैंडसोंग के अनुसार, जो आगे बात करेंगे अपन। इसको लिख लो पहले आप, यहां तक आया दोस्तों समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, प्रॉब्लम जो भी आपके प्रॉब्लम हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए ताकि उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मुंशी देवी प्रसाद ने दोस्तों बताया था कि स्थानवाचक स्थान सूचक शब्द है ना कि जाति सूचक, और गुर्जर किसे लिया गया है, गुर्जर आता प्रदेश से, मरुदल से का मरुस्थल का क्षेत्र है और प्रारंभिक स्थान ये रहा है मरुस्थलीय का, दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है वो इनका प्रारंभिक स्थान रहा है, यानी कि यहाँ पर ये बसे हुए थे, यहाँ पर आए थे। ठीक है दोस्तों, पहले इसको लिख लो। मिटा दो दोस्तों, अब दोस्तों जी मैंने बोला आपको कि गुर्जर, गुर्जर क्या है, गुर्जरात्रा प्रदेश से लिया गया है, गुर्जरात्रा प्रदेश। ये जो जानकारी मिलती है दोस्तों, यानी कि ये सारी जानकारी कहाँ मिलती है कि ये प्रशस्ति थी, या सॉरी ये जो जानकारी मिलती है कि गुर्जरात्रा प्रदेश था, इनका मरुस्थल जो क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला इनका क्षेत्र था, तो ये जानकारी मिलती है दोस्तों ऐहोल की प्रशस्ति से, ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है, ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। किसने, रचयिता कौन है दोस्तों इसके, इसके रचयिता है रवि कीर्ति जैन। ठीक है दोस्तों, ऐहोल प्रशस्ति की यहां पर बात कर रहे हैं। देखो अब क्या हुआ था दोस्तों, अब और सुनना,
एक शासक हुआ था दोस्तों प्रतिहारों का, एक शासक हुआ था जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था दोस्तों? हर्षवर्धन। एक चीनी यात्री था दोस्तों जो सबसे पहले भारत आया था, जिसका नाम था हेनसांग। क्या नाम था दोस्तों? हेनसांग। उसका नाम था दोस्तों जो सबसे पहले कहाँ आता है? भीनमाल आता है, राजस्थान में। भारत की यात्रा की थी दोस्तों हेनसांग ने, जो हेनसांग भारत की यात्रा करते करते कहाँ पहुंच जाता है? भीनमाल पहुंचता है, और वहां के उस टाइम का शासन रहता है कौन? हर्षवर्धन रहता है। भीनमाल पहुंचने पर दोस्तों उसने जो भीनमाल को देखा, तो वहां पर देखने के बाद उसको क्या बोला दोस्तों? भीनमाल को क्या बोला? पोलोपल्ली कहा। क्या कहा दोस्तों? पोलोपल्ली कहा। बहुत सी जगह पोलोपल्ली भी आता है, पीलो पोलो भी आता है। पीलो पोलो किसने कहा दोस्तों? हेनसांग ने। कौन था ये? चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के समय, किसके समय दोस्तों? हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री, क्या नाम था दोस्तों? हेनसांग। क्या नाम था दोस्तों? हेनसांग था उसका नाम। हेनसांग कहाँ आया? भीनमाल की यात्रा की। भीनमाल कहाँ पड़ता है दोस्तों? झालावाड़, सॉरी झाल, कहाँ पड़ता है? झालोर। भीनमाल का दोस्तों बिजोलिया शिला लेख में जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? श्रीमाल मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? श्रीमाल। लेकिन भीनमाल अभी वर्तमान में बोला जाता है, कहां पर स्थित है? झालोर। तो हेनसांग कहां पहुंचा? भीनमाल झालोर की यात्रा की, यात्रा की। और भीनमाल को क्या बोला दोस्तों इसने? पीलो पोलो। पीलो पोलो कहा। क्या कहा दोस्तों? पीलो पोलो कहा। तथा यहाँ के जो शासक थे, कहाँ के? भीनमाल के। यहाँ के शासक प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक, इनको क्या कहा दोस्तों? कुचेलो। कु चे लो। क्या कहा दोस्तों? कुचेलो कहा। किसने कहा दोस्तों? हेनसांग ने। यानी कि दोस्तों बात सुनना, गुर्जर यात्रा प्रदेश, यानी कि ये जो जानकारी मिलती है कि गुर्जर यात्रा जो है वो स्थान सूचक शब्द है, और ये जो जानकारी मिलती है एहोल प्रशस्ति से मिलती है, जिसके रचयिता कौन है दोस्तों? रवि कीर्ति जैन। क्या नाम है उसका? रवि कीर्ति जैन नाम है। और दोस्तों बात करते हैं अपन कहाँ के, भीनमाल के शासक हुआ करते थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय एक इंडिया में दोस्तों जो है वो यात्रा करते हैं हेनसांग चीनी यात्री, और हर्षवर्धन के समय कहाँ पे पहुंचते दोस्तों? भीनमाल पहुंचते। और भीनमाल पहुंचने के बाद इन्होंने भीनमाल के शासकों को देखा और क्या कहा दोस्तों? कुचेलो बोला। तथा भीनमाल को क्या बोला दोस्तों? क्या बोला? पीलो पोलो कहा। तथा राजधानी बताई क्या? झालोर की राजधानी जो है, प्रतिहारों की राजधानी क्या बताई? भीनमाल बताई। किसने बताई दोस्तों? ये हेनसांग की बात हुई। क्वेश्चन आते हैं बहुत बार हेनसांग के बारे में पूछते हैं। देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैंने क्या एक मेरा खुद का ही निर्णय था दोस्तों कि मैं ये भी पढ़ाऊँ आपको, नहीं तो आप बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम टीचर रहते हैं ऐसे आपको मिलेंगे जो इनको पढ़ाते, क्योंकि मैटर याद करने का ही है, कुछ समझने का नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कहानी है कैसे आया क्या आया, जैसे और जैसे अपन ने और शासक के बारे में पढ़ाया वैसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? नाम याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों हेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। भीनमाल श्रीमाल पहुंचा, झालोर की यात्रा की, और पीलो पोलो कहा किसको? भीनमाल को। तथा यहाँ के प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे उनको क्या बताया दोस्तों? कुचेलो कहा। क्या कहा दोस्तों? कुचेलो कहा। तथा राजधानी किसको बताया? भीनमाल को बताया। ये हुई बात दोस्तों किसकी? गुर्जर शब्द की। मैंने बात की थी यहाँ पर गुर्जर शब्द की, कि गुर्जर शब्द क्या है, आप डाउट में ना रह जाओ कि गुर्जर क्या है, गुर्जर जाति है। बहुत से जो पहली बार पढ़ते हैं तो गुर्जर देखे ये समझे कि यहाँ पर गुर्जर जाति के लोगों का जो है वो शासन हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है, लिख लो इसको। मिटा दो दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों, एक वर्ड की बात करी अपन ने गुर्जर की। आया समझ में दोस्तों? क्लियर है? अब देखो, अब बात करते हैं दोस्तों, गुर्जर की बात हो गई, अब बात करते हैं अपन प्रतिहार को। प्रतिहार के बारे में बात करते हैं कि प्रतिहार क्या है, इसका मतलब क्या है। इस प्रतिहार शब्द का अर्थ
किसका? इस प्रत्यार शब्द का अर्थ क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ होता है द्वारपाल। द्वारपाल पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। द्वारपाल यानी कि द्वार की रक्षा करने वाला। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, जब पूरे मकान पे संकट आता है तो क्या द्वारपाल का इतना लक्ष्य रह जाता है कि वो सिर्फ द्वार की रक्षा करे? नहीं दोस्तों, उसका संपूर्ण जिम्मेदारी, उसका धर्म क्या कहता है कि वो क्या करे, पूरे घर की जो है रक्षा करे। लेकिन द्वारपाल का अर्थ होता यही है कि दोस्तों वो द्वार पे जो है वो लकड़ी लेके या फिर उसका जो भाला लेके खड़ा रहता है और द्वार की आने जाने वालों के बारे में देखता रहता है। ऐसा कार्य किया था दोस्तों किसने? भगवान राम के समय किसने किया था दोस्तों? लक्ष्मण ने किया था। वो भगवान राम के जो बाहर जो उनका उनका रूम था दोस्तों, तो उसके बाहर जो है द्वारपाल का कार्य किया करते थे दोस्तों। कौन? लक्ष्मण। तो कनेक्ट होगा दोस्तों, आराम से सुनना। द्वारपाल का कार्य किसने किया दोस्तों? लक्ष्मण ने। तो गुर्जर प्रतिहार अपने आप को किसका वंशज मानेंगे दोस्तों? लक्ष्मण का वंशज मानेंगे। किसका वंशज मानेंगे? लक्ष्मण का वंशज मानेंगे। एक प्रशस्ति है दोस्तों, उसका नाम है प्रशस्ति का ग्वालियर प्रशस्ति। क्या नाम है दोस्तों? ग्वालियर। ग्वालियर कहां पे पड़ता है बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति का नाम लिखा है दोस्तों। इस ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार, इस ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार है, कौन दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो है वो भगवान राम के भाई। क्या नाम है भगवान राम के भाई का? लक्ष्मण। लक्ष्मण के वंशज हैं, या वंशज माहे लिख लेते हैं अपन, मानते हैं आप लगा लेना। किसके वंशज बताए गए दोस्तों? लक्ष्मण के। क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसके वंशज मानते हैं दोस्तों? लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। ऑप्शन में रहता है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। द्वारपाल देखते समझ जाना। आपको एक कहानी भी बता याद होगा, जब दुर्वासा ऋषि आते हैं और द्वारपाल पे कौन रहते हैं दोस्तों? कौन रहते हैं? भगवान लक्ष्मण रहते हैं। कहां पर आते हैं दुर्वासा ऋषि? अयोध्या में पहुंचते हैं, और अयोध्या पहुंचते दोस्तों लक्ष्मण को देखते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे राम से मीटिंग करवाओ, मेरी राम से बात करवाओ, मुझे राम से मिलना है। लेकिन उससे पहले जो राम अपने रूम में बात करते रहते हैं दोस्तों, तो यमराज से यानी कि उनके काल से बात करते रहते हैं, क्योंकि वो आते हैं वहां पर कि भगवान जो राम है उनको बोलते हैं वो कि आपका समय हो गया, आपके उद्देश्य के लिए जो आपने जन्म लिया था वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, अब आप मेरे साथ प्रस्थान कीजिए। ऐसी बातें करने के लिए आए थे वो कि आप कब प्रस्थान करेंगे, कब आएंगे, प्लीज आ जाइए, लोग जो आपका पाताल लोक जो सब है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका स्वागत के लिए है, अब बहुत टाइम हो गया, आप चलिए मेरे साथ। ऐसे के लिए आते हैं और लक्ष्मण को बोल देते हैं वो कि मेरी रक्षा करना, जब तक मैं इनसे बात करूंगा अंदर कोई ना आ पाए। और वो जो काल रहता है वो एक शर्त रख देता है भगवान राम से कि अगर अपन बात कर रहे हैं जब तक अगर बीच में कोई आ जाता है इस रूम में तो आप उसको मृत्यु दंड दोगे। किसको बोलते हैं? राम को बोलते हैं। और द्वारपाल के रूप में लक्ष्मण को खड़ा कर देते हैं। इतने में दोस्तों कौन आ जाता है वहां पर? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को मना कर देते हैं कौन? भगवान राम, सॉरी लक्ष्मण मना कर देते कि आप अभी बाद में थोड़ा लेट मीटिंग करवाऊंगा मैं आपसे, भगवान राम आप कहीं बिजी हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि जो है क्रोधित हो जाते हैं और पूरी अयोध्या को भस्म करने के लिए श्राप देने लग जाते हैं। इतने में लक्ष्मण जी मना कर देते हैं, उनके पैर पड़ जाते हैं और लक्ष्मण जी बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं आपसे राम भगवान से मिलवाता हूं। लक्ष्मण कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या करूं, एक तरफ अयोध्या संकट में और एक तरफ मेरी जान संकट में, यानी कि मेरा जीवन संकट में। लेकिन वो कुछ नहीं देखते और द्वारपाल का जो पद छोड़ के और कहां चले जाते हैं? भगवान राम के कक्ष में चले जाते हैं और वो उस काल को देख लेते हैं और वो गायब हो जाता है और भगवान राम उसको बाद में मृत्यु दंड भी दे देते हैं, यानी कि उनका त्याग कर देते हैं। ऐसा रामायण में आपने देखा होगा, अभी रामायण चली भी थी, आपने देखा होगा दोस्तों। मैंने भी वहीं से देखा है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए दोस्तों द्वारपाल बोला गया है, तो लक्ष्मण इसीलिए लक्ष्मण का नाम आता है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। किसके अनुसार दोस्तों? ग्वालियर प्रशस्ति में। और इसी ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है दोस्तों, क्या बताया गया है? मेघनाथ का या फिर इंद्र का भी, दोनों का, इंद्र का घमंड चूर करने वाला।
ग्वालियर प्रशस्ति में एक तो बताया गया है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज है कौन, गुर्जर प्रतिहार। और दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति में क्या बताया गया, प्रतिहारों को मेघनाथ का तथा इंद्र का घमंड चूर्ण करने वाला, किसको बताया गया है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों को, गुर्जर प्रतिहारों को। कौन सी प्रशस्ति में बताया गया है दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आगे बढ़ू, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, हाँ बोल दिया करो दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़ो, ऐसे बोल दिया करो। आपके पास में अगर कोई जानकारी है दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो, क्योंकि सारी जानकारी मुझे भी बहुत बार याद रहते हुए लेकिन मैं नहीं बता पाता, क्योंकि एकदम से याद आना बाहर में कहीं आना, देखो ये तो माइंड है, जैसे काम कर लेता है, जहां काम कर लेता है वहीं पे खुल जाता है। यहाँ पे जितनी चीजें मुझे पता है, जहाँ पे मैं सब कुछ आपको पूरी कोशिश रहती है कि 99% आपको 100% भी देने की कोशिश करूँ। ठीक है दोस्तों, लिख लो आप। मिटा दो दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इनके उत्पत्ति के बारे में, स्रोत क्या क्या मिलते हैं और किस किस के बारे में, उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बताया, अलग अलग इतिहासकार क्या क्या बोलते हैं कि ये कौन थे, उत्पत्ति का मतलब यही दोस्तों कि ये सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे, अग्निवंशी थे, विदेशी थे, क्या थे ये, कहाँ से आए थे ये, क्यों आए थे यहाँ पर, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, ये सब चीजें दोस्तों उत्पत्ति में बात करेंगे अपन। देखो आया दोस्तों समझ में, आपको कहानी भी समझ में आई होगी, मैंने आपको बताई जो भगवान राम के बारे में, ऐसी कहानियां लेके चलोगे दोस्तों तो इतिहास भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये इंडियन हिस्ट्री में तो पढ़ाया जाता है दोस्तों, आपको पता हो तो इंडियन हिस्ट्री में जो है अपना, क्योंकि ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब पढ़ाए जाते हैं वहां पर, तो वहां पर तो क्या है दोस्तों हिंदू सभ्यता के बारे में भी बताया जाता है। बाकी राजस्थान हिस्ट्री में ऐसा नहीं आता, राजस्थान हिस्ट्री में तो जो अपना इतिहास है वही पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रतिहार की उत्पत्ति किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बोर नहीं होना दोस्तों, बिल्कुल भी आप बोर नहीं होना, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें गुर्जर प्रतिहारों से, गुर्जर प्रतिहारों से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और आते भी हैं, बहुत हार्ड है दोस्तों। यहाँ के शासक के नाम पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ के नाम कैसे रखे थे पहले, पहले क्या नाम नहीं मिलते थे क्या, देखना अभी आगे। उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक इतिहासकार रहे थे मोहनोपनयनी, क्या नाम था दोस्तों, मोहनोपनयनी, इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ था दोस्तों मोहनोपनयनी का, बार बार बोलता हूं पीछे का वर्ड आगे ले जाओ, ये ले जाओ ये ग्रंथ, क्या नाम था दोस्तों, नयनसिरी ख्यात, नयनसिरी ख्यात। इसमें प्रतिहारों के बारे में 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है, कितनी शाखाओं का दोस्तों, 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है, कितनी शाखाओं का, 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है। जहां पर दो प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे, दो प्रमुख शाखाएं बताई थी किसने दोस्तों, मोहनोपनयनी ने, तो दो प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे यहां पर, दो प्रमुख शाखाएं, कौन कौन सी दोस्तों, पहली पहली शाखा है मंडोर के प्रतिहार, मंडोर कहाँ है दोस्तों, जोधपुर, इनको पढ़ेंगे अपन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मंडोर के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार शाखा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बोला है कि मोहनोपनयनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार है दोस्तों, मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, बार बार नहीं बोलूंगा मैं मोहनोपनयनी, आपको अगर याद होता है तो आप धड़ाधड़ से कमेंट में डाल दिया करो कि मोहनोपनयनी कौन था, किसका दरबारी कवि था, राजा कौन था, आत्महत्या क्यों की थी, किसके साथ की थी, ये सब सारी जानकारी आप यहाँ पर लिख दिया करो। इसने नयनसिरी ख्यात एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ था दोस्तों, ग्रंथ का मतलब पुस्तक, अभी क्या बुक की बात करो। 26 शाखाओं का वर्णन किया है इसने प्रतिहारों, मैंने बताया था ना चार प्रतिहार, प्रमाण, चालुक्य, चौहान, दो प्रमुख शाखाओं के बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर। मंडोर जोधपुर के प्रतिहार, ये एक शाखा है, 26 में से एक शाखा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जिसका नाम है मंडोर जोधपुर की प्रतिहार।
यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये सबसे प्राचीन शाखा है, सबसे प्राचीन शाखा। अब देखो सबसे प्राचीन शाखा है तो आपको क्या मिलेगा, युद्ध तो मिल ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि उस टाइम के शेर को मार देते थे, भैंसों का वध कर देते थे, इसके वहां काम करते थे दोस्तों, कोई चंद्रयान टूट रहा है, कहाँ गिर रहा है, ये सब सारी जानकारी, जादू टोने ज्यादा मिलेंगे अब इस टाइम के। अभी के इतिहास में दोस्तों जो अपन पढ़ते हैं मेवाड़ के में, जो महाराणा प्रताप के पढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लगता भी है कि यार हुआ होगा, युद्ध हुआ था, लेकिन प्राचीन शाखा में क्या मिलेगा आपको, ज्यादा सभ्यताएं मिलेगी। मंडोर जोधपुर के प्रत्यारोह की बात करिए एक शाखा की। अब दूसरी शाखा की बात करें दोस्तों, ये दो हटा देते हैं यहाँ पे, दो यहाँ लिख देता हूं मैं। दूसरी शाखा है दोस्तों भीन माल की प्रत्यारोह, भीन माल, भीन माल कहाँ के दोस्तों, झालोर के प्रतिहार। और ये तो सबसे प्राचीन शाखा है, तो ये सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध शाखा। इन दोनों शाखाओं में दोस्तों जो मिलता है, क्या मिलता है कि क्या मिलता है, अग्निवंशी थे कौन, प्रतिहार किसके अनुसार, मोहम्मद नैन्सी के अनुसार, क्योंकि इनका मत का समर्थन करते हैं दो चंद्र बरदाई जो है अग्निवंशी बताते हैं, और उनके मत का समर्थन कौन करते हैं, मोहम्मद नैन्सी, मोहम्मद नैन्सी के अनुसार भी कौन थे दोस्तों, अग्निवंशी थे, कौन थे दोस्तों, अग्निवंशी, ये लो लिख दिया अग्निवंशी, ये अग्निवंश है, इधर लिखता हूं तो याद आ जाना चाहिए दोस्तों, मैंने इधर ही लिखा था, वो ब्राह्मण का जो डाल रहा था हवन कुंड, चार पुत्र जन्म हो रहे थे, इधर ही थे वो अग्निवंशीय थे। ये लो दो प्रमुख शाखाओं के बारे में इन्होंने बताया था, प्रमुख शाखा है मंडोर, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं जस्ट इसके बाद, और भीनमाल, ये हुई दोस्तों उत्पत्ति के बारे में, किसके बारे में, मोनो तेंसी के अनुसार, बाकी और भी अभी पहले इसको लिख लो आप। आया दोस्तों समझ में? मिटा दो दोस्तों, और एक और आपको पता होगा, चार पुत्रों का जन्म हुआ था दोस्तों, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज बताओ, पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिकार प्रतिहार कौन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था ये ग्रंथ दोस्तों, जल्दी से बताओ मुझे, ग्रंथ किसने लिखा था, ये किसने लिखा था दोस्तों, जल्दी से बताओ, चंद्र बरदाई, पता नहीं याद भी है, नहीं करते भी हो नहीं करते हो, चंद्र बरदाई था। इसके अनुसार पृथ्वीराज राठौर के अनुसार क्या थे दोस्तों, प्रतिहार क्या थे, अग्निवंशीय। जल्दी से बता दिया करो यार, ऐसे क्या टाइम लगाते हो, फटाक से चलना चाहिए, अग्निवंशीय थे, अग्निवंशीय थे, आते ही ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, जिनमें कहानियां नहीं, जहां इंटरेस्ट कम बनता है ना पढ़ाई में, तो समझ जाओ वहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जो जल्दी से याद होते हैं वहां से कम आते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें राजशेखर के बारे में, बात करूं एक राजशेखर थे, राजशेखर के बारे में देखो, राजशेखर कौन थे दोस्तों, राजशेखर जो है महेंद्रपाल, एक शासक होगा भीनमाल का, महेंद्रपाल नाम है उसका, भीनमाल का शासक हुआ था महेंद्रपाल, पहले अभी इसको लिख लेते हैं, इसका ग्रंथ है दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम है विद्यशाल, विद्यशाल भंजिका, क्या नाम है दोस्तों, विद्यशाल भंजिका। इसमें प्रतिहारों को क्या बताया दोस्तों, सूर्यवंशी बताया, क्या बताया दोस्तों, सूर्यवंशी। अब देखो यहां पे मैं बोल रहा था राजशेखर के बारे में, राजशेखर दोस्तों दरबारी कविता महेंद्रपाल का, किसका, महेंद्रपाल का, महेंद्रपाल दोस्तों ये जो आप ही आगे पढ़ेंगे अपन भीनमाल के शासक पढ़ेंगे दोस्तों, तो भीनमाल के शासक में अंतिम शासक से पहले कुछ पहले दोस्तों महेंद्रपाल आएगा, एक मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां भी, महेंद्रपाल आएगा, एक महेंद्रपाल का दरबारी था वो, उसके महेंद्रपाल का जो पुत्र होगा महीपाल उसका भी दरबारी था ये, जिसने ग्रंथ लिखा था विद्यशाल भंजी का, बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन, राज राजेश्वर,
बहुत अच्छा दरबारी कविता लेखक था। इसने बहुत ही बढ़िया बढ़िया बाल चरित्र, बाल रामायण ऐसे ग्रंथ लिखे थे, वहां पर डिटेल से बात करेंगे। पहले बताऊंगा तो आप ज्यादा इन पे ध्यान दिलोगे, ठीक है ना। विद्यसाल भंजिका में सूर्यवंशी क्यों कहा? क्योंकि विद्यसाल भंजिका में राजशेखर ने महेंद्रपाल को, किसको? महेंद्रपाल को, महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक बोला था। रघुकुल रघुकुल तिलक बोला। अब रघुकुल तिलक बोलते हैं दोस्तों, ये आ जाती है रामायण की बात। जो भगवान राम के पिता रहते हैं वो रघुवंशी रहते हैं, वो उपाधि धारण करते हैं रघुवंशी की। ये बात मैंने आपको कर ली थी, इसीलिए क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बताया इतिहासकारों ने? सूर्यवंशी बताया। ये बात हुई किसकी दोस्तों? राजशेखर के अनुसार, ठीक है दोस्तों। एक इतिहासकार के और अनुसार है, वो भी बात कर लेते साथ के साथ। इसके बाद इसको खत्म करेंगे टॉपिक को, पहले इसको लिख लो। मिटा दो दोस्तों, लिख लिया होगा, आया समझ में दोस्तों? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज है दोस्तों, इनको भूलना मत। यही पूछते हैं, यहाँ पे कहानियां नहीं है इसलिए यही पूछेंगे, देख लेना आप। इसके बाद बात करें दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार। गौरी शंकर ओझा, साथ के साथ एक और बात कर लेते दोस्तों, आर एस त्रिपाठी तथा डॉक्टर भंडारकर साथ ही रहते थे, पहले भी आया था इनका नाम भंडारकर। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा तो दोस्तों इनको क्या बताते हैं? प्रतिहार को। क्या बताया दोस्तों? क्षत्रिय। क्या बताया दोस्तों? क्षत्रिय। और डॉक्टर आर एस त्रिपाठी तथा डॉक्टर भंडारकर के अनुसार दोस्तों प्रतिहार जो है वो विदेशी मूल के बताए। कहां के बताए दोस्तों? विदेशी मूल। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ ले, नोट लगाना यहां पर, एक नोट लगाना बहुत अच्छा, 1000 रुपए का नोट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। नोट के अनुसार दोस्तों लिखूंगा मैं आपको। देखो यहां पर विदेशी क्या नाम आता है? विदेशी। तो आपको पता होगा दोस्तों विदेशी आते सबसे पहले आप कर्नल जेम्स टोबी के बारे में सोचते होंगे कि कर्नल जेम्स टोबी ने कहा था सब विदेशी है, सब विदेशी है। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो विदेशी बोला था ये अलग बोला था, ये खजर नामक विदेशी थे। कौन से थे दोस्तों? खजर नामक विदेशी। खजर नामक स्थान था इनका, वो विदेशी थे ये। लेकिन दोस्तों यहां नोट लगा रहा हूं, नोट में देखना, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दोस्तों क्या है? विदेशी थे। क्या थे? विदेशी थे। लेकिन विदेशी कौन दोस्तों? किनकी संतान बताया गया है? हूणों की संतान बताया गया है। किसकी? हूणों की संतान। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई, मैंने उत्पत्ति की बात कर लिए। अब यहां से खत्म करेंगे दोस्तों इसको, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। आपको समझ में आया दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कौन थे, कहां से आया, अलग अलग इतिहासकार क्या बोलते हैं, गुर्जर का मतलब क्या होता है, प्रतिहार का मतलब क्या होता है, इसका समर्थन कौन करता है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार क्षत्रिय है, त्रिपाठी और भंडारकर के अनुसार विदेशी मूल के हैं जो खजर नामक स्थान से आए थे, और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार दोस्तों जो है विदेशी है। याद रखना यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात है ये, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार विदेशी थे। और किनकी संतान बताया गया है दोस्तों? हूणों की संतान बताया गया है। ये बात हुई दोस्तों किनके? गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, मंडोर के शासक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे गुर्जर भीनमाल के शासक के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा पढ़ाने में, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।